हेलो गाइस, स्वागत है आपका ऑटो गैरशिप चैनल पे, जहां मैं बनाता हूं वीडियोस ऑटोमोबाइल से रिलेटेड टॉपिक्स पे। सो गाइस, आज का ये वीडियो इस वक्त की सबसे एंटीसिपेटेड एसयूवी यानी महिंद्रा एक्सयूवी 500 और सॉरी महिंद्रा एक्सयूवी 700 के ऊपर है। इस एसयूवी का वेट बरसों से किया जा रहा है। महिंद्रा ने ऐसा कोई रोड नहीं छोड़ा जहाँ एक्सयूवी 700 का टेस्ट ना किया हो। खैर, मज़ा को साइड में रखकर हम एसयूवी के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं महिंद्रा के पास्ट से शुरुआत करूंगा, फिर उसी को एक्सयूवी 700 से लिंक करते हुए एक्सयूवी 700 के बारे में बात करूंगा। सन 1945 में मोहम्मद अल महिंद्रा के नाम से ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। शुरुआत में ये एक स्टील ट्रेडिंग कंपनी के रूप से काम करती थी। आज़ादी के बाद इस कंपनी के एक पार्टनर यानी मालिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और वहीं सेटल हो गए। उसके बाद 1948 में कंपनी के नाम को बदल कर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया गया। फिर एक दिन कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला। फिर धीरे धीरे कंपनी विलीज जीप की डिज़ाइन की हुई गाड़ियों को लाइसेंस के तहत असेंबलिंग करने लग गई। इसी तरह महिंद्रा ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में ग्रो किया और आज फॉर्च्यून 500 कंपनीज में महिंद्रा का नाम आता है। साथ ही महिंद्रा ने बहुत सारी विदेशी कंपनीज को एक्वायर भी किया है, जैसे जावा हो गई, ESD, BSA, सैंगयोंग, फिनेनफरीना जैसी कंपनी। तो इससे तो आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि महिंद्रा कितनी बड़ी कंपनी है। देखिए, महिंद्रा जानी जाती है अपनी बेहतरीन एसयूवीज़ के लिए। महिंद्रा ने एक बार सेडान और हैचबैक भी लॉन्च किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाई। तभी से शायद कंपनी को ये पता लग गया था जिसमें काबिल है वही प्रोडक्ट लाना सही रहेगा। इसलिए आज की तारीख में महिंद्रा बस एसयूवीज़ पर ही फोकस कर रही है। महिंद्रा की एसयूवीज़ वाकई में काफ़ी कैपेबल होती है। महिंद्रा के DNA में ही एसयूवीज़ है। वैसे कि आपको सच में लगता है कि एक्सयूवी 700 एक ऑल न्यू व्हीकल है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे जितना लगता है कि महिंद्रा पहले इसे एक्सयूवी 500 के सेकेंड जनरेशन के रूप में लॉन्च करने वाली थी, और देखा जाए पिछले 2 साल से यही अफवाह थी कि एक्सयूवी 500 का सेकेंड जनरेशन आने वाला है। लेकिन अब अचानक कंपनी ने रिवील किया कि ये एक ऑल न्यू व्हीकल है और एक्सयूवी 500 से एक लेवल ऊपर की गाड़ी है, और नाम कंपनी ने एक्सयूवी 700 बताया। अगर हम ध्यान से महिंद्रा के पोर्टफोलियो को देखें तो ये पता चलता है कि महिंद्रा ने 2018 में लास्ट एक्सयूवी 300 को एक ऑल न्यू व्हीकल के रूप में लॉन्च किया था, और उसके बाद से कोई भी ऑल न्यू व्हीकल नहीं आई है। जो भी कार लॉन्च हुई है वो या तो फेसलिफ्ट है या फिर नेक्स्ट जनरेशन। पैसेंजर व्हीकल में महिंद्रा के पास उतनी बड़ी पोर्टफोलियो नहीं है। महिंद्रा के पास अभी फ़िलहाल एक स्कॉर्पियो, एक एक्सयूवी 500, एक्सयूवी 300, बोलेरो, KUV 100, मरार्जो थार और अल्टुरस G4 है। अब आप खुद सोचिए, इनमें से स्कॉर्पियो, एक्सयूवी 300, बोलेरो और थार ही बस अच्छी गिनती में बिकती है। बात करें अगर अल्टुरस G4 की, तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी SUV है अपनी रेंज में, लेकिन ये भी नहीं बिकती और कंपनी इसे डिसकंटिन्यू करने वाली है। और ये कोई महिंद्रा की खुद की डिज़ाइन की हुई SUV नहीं है। अल्टुरस G4 एक रीबैच्ड SUV है। कोरिया में इसे सैंगयोंग रेक्सटन के नाम से बेचा जाता है। इसी तरह XUV 300 भी रीबैच्ड SUV है। ये ओरिजिनली सैंगयोंग की SUV है, जिसे कोरिया में सैंगयोंग टिवोली के नाम से बेचा जाता है। और KUV 100 और मरार्जो के तो क्या ही कहने, बस कुछ एक यूनिट बिक जाती है हर महीने। तो बात यह समझने की है कि महिंद्रा के पास फिलहाल कोई फ्रेश कंटेंडर नहीं है। अब देखो, स्कॉर्पियो का तो नाम ही काफ़ी है बिकने के लिए। वैसे भी स्कॉर्पियो एक बहुत कैपेबल SUV है, अभी भी 4 से 5 हज़ार यूनिट बिक जाती है हर महीने, जबकि सबको पता है नई स्कॉर्पियो आने वाली है। यही रीज़न है महिंद्रा ने जो पहले XUV 500 के नेक्स्ट जनरेशन के रूप में आने वाली थी, उसके नाम को चेंज करके XUV 700 कर दिया गया, ताकि कंपनी की पोर्टफोलियो भी बड़ी हो जाए और लोगों में ऑल न्यू व्हीकल के नाम से हाइप भी ज़्यादा हो जाए। और वैसे भी गाड़ी में उतने चेंजेस तो है ही और फीचर्स तो है ही कि ये एक ऑल न्यू व्हीकल के नाम से बेचा जा सके, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप टाटा मोटर्स को देखें तो उनकी पोर्टफोलियो अभी काफ़ी बड़ी है, जिससे उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और वैसे भी सफारी और कॉम्पा से कम्पीट करने के लिए एक ऑल न्यू व्हीकल की ज़रूरत थी महिंद्रा को, वो कमी अब XUV 700 पूरा करेगी। बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है XUV 700। मैं खुश हूँ कि महिंद्रा ने TUV वाली स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाया XUV के ऊपर। TUV में तो 2-3 विजुअल चेंजेस करके बोलेरो का नाम लगाकर लॉन्च कर दिया, ताकि बोलेरो के नाम से TUV की सेल्स बूस्ट हो। XUV में चेंजेस बहुत हैं, चाहे इंजन हो, पावर हो, एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो या हो फीचर्स, भरपूर चेंजेस किए गए हैं। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा डिज़ाइन XUV 700 का।
हालांकि कैमोफ्लाज में ही देखा मैंने भी, मुझे सच में लग रहा है कि आने वाली XUV700 सच में एक ग्लोबल कंटेंडर बन सकती है। मेरे हिसाब से सबसे एडवांस मिड साइज़ SUV होगी इंडिया में ये अब तक की। अब कुछ हाइलाइटेड फीचर्स और स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि XUV700 में ऑटोनोमस लेवल 1 के फीचर्स आएंगे, जैसा हमने MG ग्लोस्टर में देखा है। खैर ग्लोस्टर की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और XUV700 की प्राइस उससे आधी होगी, तो आधे दाम में अगर ऑटोनोमस लेवल 1 वाले फ़ीचर्स आ गए तो कोई तोड़ नहीं होगा XUV700 का। इसमें जो डोर हैंडल्स आएंगे वो भी काफ़ी प्रीमियम लग रहे हैं दिखने में, जैसा कि हमने रेंज रोवर वेलार में देखा है। कुछ उसी तरह के पुल टाइप हैंडल्स आएंगे। सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी दिया गया है इसमें। इसमें पर्सनलाइज्ड सेफ्टी फीचर्स दिया गया है, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट चला रहे हैं तो ये SUV आपको बताएगी कि आपको कार स्लो करने की ज़रूरत है, वो भी आपके किसी अपने की आवाज़ में। ये फ़ीचर्स काफ़ी इंडियन नहीं लग रहा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। बात करें अगर लाइट्स की, तो इसमें ऑटो बूस्टर हेडलाइट का फीचर दिया गया है, जो ज़रूरत के अनुसार लाइट्स की पावर को अपने आप बढ़ा देता है। नाइट ड्राइविंग करने वालों के लिए काफ़ी अच्छी फीचर है ये, सेफ्टी के लिहाज से भी। और एक फ़ीचर के बारे में कंपनी ने टीज़ किया है, जिसे हमने बहुत महंगी गाड़ियों में ही देखा है, BMW ऑडी जैसी। इस फीचर को महिंद्रा ने ड्राइवर ड्रोजीनेस डिटेक्शन के नाम से टीज़ किया है। बेसिकली ये फ़ीचर कुछ इस तरह काम करता है, SUV में सेंसर्स लगे हुए हैं जो आपकी ड्राइविंग बिहेवियर को डिटेक्ट करता है और आपको अलर्ट देता है कि आप थके हुए हो या फिर आपको नींद आ रही है, ताकि ड्राइवर अलर्ट होकर गाड़ी चलाए या फिर रेस्ट ले सके। अगेन एक बहुत ही अच्छी फ़ीचर है, सेफ्टी के लिहाज से भी देखा जाए तो। बात करें अगर इंफोटेनमेंट की, तो XUV700 में आपको मर्सिडीज इंस्पायर्ड इंटीग्रेटेड इंफोटेनमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाएगा, जो सच में बहुत प्रीमियम लगता है देख के। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिया जाएगा, वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल जोन AC, एम्बियंट लाइट्स, ऑफ रोडिंग मोड सिलेक्ट करने के लिए एक डायल भी दिया जाएगा, साथ ही एयर प्यूरीफायर भी। बात करें अगर एक्सटीरियर की, तो LED हेडलाइट्स विद DRL और एक्स शेप्ड रेयर LED लाइट्स भी दिया जाएगा। अब बात करें इंजन की, तो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आएगा, जो प्रोड्यूस करेगा करीबन 200 PS ऑफ पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क, यानी अपनी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगी। कीमत इसकी 15 से 24 लाख होने की उम्मीद है। अब देखते हैं कब तक लॉन्च होती है ये इंडियन मार्केट में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ज़रूर से कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के वीडियोज़ के लिए।